पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि वशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। आज हम भगवद्गीता के छठे अध्याय के 44वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, 44th। और अब इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोकों की कॉन्टिन्यूशन में अर्जुन को बता रहे हैं कि पूर्व अभ्यासेन तेनैव, कि पूर्व अभ्यास के कारण, जो पिछले जन्म में उसने जो अभ्यास किया था, खूब भक्ति की थी, उसके कारण ह्रियते ही अवश्योऽपि सः, अब वो ऑटोमेटिकली ही भक्ति के सिद्धांतों को समझने के लिए और भक्ति में जो भी क्रियाएं होती हैं भगवान की सेवा करने के लिए, नाम जप इत्यादि करने में, अब वो स्वतः ही अट्रैक्ट होगा, आकर्षित होता रहेगा भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति, साधु संग करने के लिए ललायित होता रहेगा। उसको खुद भी पता नहीं लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और इसलिए फिर जिज्ञासुर अपि योग्यस्य, और फिर और जिज्ञासा करेगा कि नाम जप क्या होता है, चैंटिंग क्या होती है, और शास्त्र में भागवतम क्या, इसका क्या अर्थ है, इस श्लोक का, गीता के इन श्लोकों का क्या अर्थ है, उसका अपने आप गीता समझने का मन करेगा, अपने आप भागवतम समझने का मन करेगा, वो स्वतः ही उस आकर्षण होता रहेगा उसको बाय डिफ़ॉल्ट ही। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म से कॉन्टिन्यूशन में आ रहा है ना, अपनी भक्ति उसने पिछले जन्म में की, वो वहीं से शुरू हो रही है, तो अपने आप ही उसको फिर इस जन्म में अट्रैक्शन होगा, और उसको साधुओं के साथ रहने में अच्छा लगेगा, वैष्णव संग करने में अच्छा लगेगा, गीता पढ़ने में अच्छा लगेगा, रामायण पढ़ने में अच्छा लगेगा, ये सारे ग्रंथों को उनको पढ़ने में मज़ा आएगा, सुनने में, श्रवणम करने में मज़ा आएगा, चैंटिंग करने में मज़ा आएगा, लेकिन उसको पता भी नहीं रहेगा कि हो क्यों रहा है मेरे साथ, ऐसे मैं अट्रैक्ट क्यों हो रहा हूँ इसके प्रति। शब्द ब्रह्म अति वर्तते, और इस कारण से वो शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म कहते हैं कि वैसे तो वेदों को कहते हैं शब्द ब्रह्म, लेकिन वेदों को जो कर्मकांडीय रूप से फॉलो करता है, जो रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ उसकी फॉलो करता है, वैदिक अनुष्ठान इत्यादियों में लगा रहता है, लेकिन वेदों के मर्म को नहीं समझता। यस्तम वेदा किम ऋचा करिष्यति, वेद भी उसका क्या करेंगे, वेद की ऋचा भी उसका क्या करेंगे। उपनिषदों में लिखा है कि जो भगवान को ही नहीं जानता, जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण पत्नियों के जो पति थे जो यज्ञ कर रहे थे, तो जब भगवान कृष्ण बलराम ने अपने सखाओं को खाने के लिए, खाना मांगने के लिए भेजा, तो ब्राह्मणों ने तो देखा भी नहीं, भगा दिया, लेकिन ब्राह्मण पत्नियों ने खाने को दिया कि भगवान ने भेजा है, भगवान को भूख लगी है तो ये लो, ले जाओ सब कुछ। तो वो जो ब्राह्मण थे वो वेदों के ज्ञाता थे और यज्ञ इत्यादि कर रहे थे, लेकिन ऐसे वेदों के जो ज्ञाता हैं, ऐसे वेदों के ज्ञाता का फ़ायदा क्या, जब भगवान ही आए हुए हैं और भगवान का हम तिरस्कार कर रहे हैं और अपना यज्ञ करने में लगे हुए हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर शब्द ब्रह्म अतिवर्तते कहा जाता है, कि ऐसे लोगों से भी वो काफ़ी आगे निकल जाएगा जो वैदिक अनुष्ठानों में लगे रहते हैं, क्योंकि उसकी पिछले जन्म से होली नेम चैंट करने में उसकी रति है, भक्तों का संग करने में उसकी मति लगी हुई है, उसका शास्त्रों को समझने में उसकी मति लगी हुई है, उसको इन चीज़ों को अच्छा लगता है, उसको अनुष्ठान इत्यादि करने में रुचि नहीं है, करेगा वो जो अनुकूल है वो तो करेगा, अनुकूल से संकल्प, लेकिन वो भाव के साथ करेगा, उसकी एक डिवोशनल लेवल अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो पिछले जन्म से करता आ रहा है। आज श्री प्रभुपाद भी एक्चुअली एक बार अपने तो जब श्री प्रभुपाद टॉमकिंसन स्क्वायर पार्क न्यूयॉर्क में जब उन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन शुरू किया, तो सारे हिप्पीज अट्रैक्ट हो गए। तो श्री प्रभुपाद ने उनको बताया कि तुम सब पिछले जन्म में शुद्ध ब्राह्मण थे और अब तुम चैतन्य महाप्रभु के इस नाम संकीर्तन मूवमेंट में योगदान करो, और इसमें इस मूवमेंट में योगदान तुम्हारा हो, इसीलिए मैं यहाँ पर आया तुम्हें याद कराने के लिए, और तुम सब अब भगवान की कीर्ति का गुणगान करो। तो ये ऑटोमेटिकली इसको कहते हैं अट्रैक्शन, क्योंकि हिप्पीज तो अपना मतलब क्या गांजा पी रहे हैं और गर्लफ्रेंड हैं सब कुछ और नेकेड हैं, बिल्कुल पागलों की तरह जानवर ही हैं हिप्पीज मतलब, और वो हरे कृष्ण मामन से अट्रैक्ट क्यों हो गए, क्योंकि उनकी पिछले जन्मों की भक्ति चली आ रही थी, इसलिए श्री प्रभुपाद को देखते ही उनका मन खुश हो गया, एक प्योर वैष्णव को देखते ही, और होली ने उनको अट्रैक्ट किया, तो अपने आप ही डिवोशन फिर चलती है। और दूसरा इसका अर्थ ये भी है कि जो जिसने पिछले जन्म में रागानुगा भक्ति अपने करते करते उसका पतन हो गया, या ड्रागनों का भक्ति करते करते उसका देहांत हो गया मुख्यतः, तो वो क्या करेगा, पूर्व अभ्यास है ना तेन है, उसको अभ्यास है भगवान, उसको अपने आप ही अट्रैक्शन हो रही है ना, ड्रागनों का में के स्तर पे था, तो अब ह्रियते ही अवश्योऽपि सः, अब इस जन्म में भी उसको अपने आप ही भगवान से अट्रैक्शन होती रहेगी, और उसकी रति भगवान में होगी। या पिछले जो अभी पिछली जो एक्सप्लेनेशन दे रहा था उसमें तो वैदिक भक्ति में बात कर रहा था, और इसमें विश्वनाथ चक्री ठाकुर इत्यादि अपनी टीका में अब
और इसमें अब रागानुगा भक्त के दृष्टिकोण से बात की जा रही है। तो पिछले जन्म में वो रागानुगा भक्ति करते करते उसका देहांत हो गया, अब उसको इस जन्म में भी उसकी रागानुगा भक्ति ही कंटिन्यू हो गई और उसको ऑटोमेटिकली अट्रैक्शन हो रही है और वो जिज्ञासुर अपि योगस्य, अब वो जिज्ञासा कर रहा है कि इस रागानुगा से प्रेम तक कैसे पहुँचना है, वो उसमें जिज्ञासा कर रहा है। शब्द ब्रह्म अति वर्तते, शब्द ब्रह्म का अर्थ है वैदिक भक्ति से वो परे चले जाएगा, वैदिक भक्ति, अब वो वैदिक भक्ति में नहीं रहेगा, उससे भी बियॉन्ड चले जाएगा। तो ये है मतलब वो अल्टीमेटली पॉइंट ये है कि शब्द ब्रह्म अति वर्तते का अर्थ है कि वो थ्योरी से बियॉन्ड चले जाएगा, वो प्रैक्टिकल में लाइफ जिएगा, वो अप्लाई करेगा चीज़ों को, वो केवल शास्त्रों की ऋचाओं में नहीं फंसा रहेगा, श्लोकों में, और केवल इसमें वो उसको याद करने में नहीं लगा रहा, उन श्लोकों को अप्लाई करने में उसकी रति होगी, ये श्लोक का अर्थ है। इसीलिए श्री प्रभुपाद इसके श्लोक के तात्पर्य में भागवतम से श्लोक कोट कर रहे हैं, तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक, अहो बत श्व पचो, कि हे भगवान जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चंडालों के परिवारों में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। वो चाहे चंडाल के कुल में जन्म हुआ लेकिन वो फिर भी भक्ति में बहुत आगे होगा। तभी महाप्रभु ने कहा है ना कि वे विप्र किब न्यासी शूद्र के नए जय कृष्ण तत्व तसे गुरु है, कि चाहे कोई ब्राह्मण हो कि वह विप्र कि वह न्यासी कोई सन्यासी हो, शूद्र के ना चाहे कोई शूद्र क्यों ना हो, जय कृष्ण तत्वेता सही गुरु है, जो कृष्ण को तत्व से जानता है, गहराई से समझता है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, ईश्वर जीव प्रकृति कालकर्म ये सब कुछ जानता है, वो ही सही गुरु है, वही गुरु बनने के योग्य है। और प्लस जो रूप गोस्वामी ने कहा है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, उपदेशामृत का पहला श्लोक, जीव वेगम उद्रोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वाम अपिमाम पृथ्वीम शिष्यात, वही शिष्य बनाने के योग्य है जिसने अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से, जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से कंट्रोल पा लिया। तो ये सार पकड़ लेता वो, ये भागवतम का श्लोक तभी दिया है, उसको पता है कि ये चंडाल में पैदा हुआ है, चंडाल कुल में, लेकिन इसको चंडाल कुल से लेना कुछ नहीं है, इसकी तो सीधा नाम में रहती है, इसका मतलब इसने अपने पिछले जन्म में सब कुछ कर लिया, वो सीधा मर्म को कैच करेगा, सीधा वो एसेंस देखेगा कि शास्त्रों का एसेंस क्या है, वो शास्त्रों को पढ़ने में उसकी रुचि नहीं होगी, शास्त्रों से गोताखोर जैसे होते हैं सिपियाँ निकाल के देते हैं समुद्र से, उसी तरह से वो वहाँ से अनुभव निकाल के लोगों को देगा, ये एक रागानुगा भक्त का काम होता है। श्री प्रभुपाद हरिदास ठाकुर का भी एग्जांपल दे रहे हैं कि जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर जो मुसलमान परिवार में जिन्होंने जन्म लिया था, मुस्लिम थे जन्म से, और फिर उनको नामाचार्य की उपाधि दी चैतन्य महाप्रभु ने, क्यों, ये दिखाने के लिए कि जो भक्ति है भक्ति बियॉन्ड है, परे है, उसको कुल जाति इत्यादि से कुछ लेना देना नहीं है, वो पिछले जन्म से ही उसको अट्रैक्शन होगी भगवान के नाम में जिसको वो प्योर डिवोटी है, इसलिए हरिदास ठाकुर को पिछले जन्म से अट्रैक्शन हो रही है तो उनको नामाचार्य दे दी, ये नहीं देखा कि ये तो मुस्लिम है इसको नामाचार्य कैसे दें, तो इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति, और इसको कहते हैं कि जब पिछले जन्म से कॉन्टिन्यूशन होती है डिवोशन तो अपने आप ही अट्रैक्शन होती है इन चीज़ों में। हरे कृष्ण, शिल प्रभुपाद की।